आज की इस सभा में आए हुए मुंबई के सभी सम्मानित नागरिकों, भावना बहन, उनके सभी सहकर्मी, पदाधिकारी लॉयंस क्लब के, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस समारोह को आपने आयोजित किया और मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया। आज का समय थोड़ा सा गमगीन है क्योंकि अचानक से बड़ा जलजला आया है, भूकंप आया है, धरती कंप आया है। मेरे मन में एक दो बार तो ऐसा था कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊं कि ना जाऊं, दुविधा थी काफी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सहकर्मी कार्यकर्ता इस भूकंप में भगवान को प्यारे हो चुके हैं। आजादी बचाओ आंदोलन का भुज में कार्यालय जो चलता था वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और हमारे कई कार्यकर्ताओं का उसमें देहांत भी हो चुका है, तो मन में थोड़ी दुविधा थी। फिर भावना बहन की थोड़ी प्रेरणा हुई कि नहीं, आप जरूर आइए, तो मैं यहाँ किसी तरह से आ गया। हम सब ने 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, मैं भी उसमें शामिल हुआ, इसका मुझे खुशी है। ये जो भूकंप आया है इसमें आप सब लोग लाइन्स क्लब की तरफ से कुछ मदद भेज चुके हैं और कुछ भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये सुनकर भी मेरा हौसला बढ़ा और आगे भी आप शायद ये मदद लगातार जारी रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप सबसे। ये जो भूकंप आया है इसमें 4 तरह के काम करने होंगे। एक काम तो ये है कि तात्कालिक रूप से दवाओं की बहुत जरूरत है, डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लगे हुए हैं। 4 टीमें हमारी 2-2 डॉक्टर और 10-10 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर उपस्थित हैं, भुज में, अंजार में, बचाओ में, 3 स्थानों पर। तो उनकी जो बराबर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहली जरूरत है दवाओं की, और दवाओं की जरूरत है उन गांवों में जहां पर मिलिट्री के डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे। भुज में तो काफी बड़ी संख्या में मिलिट्री के डॉक्टर्स हैं, देश के अन्य भी जाने माने बहुत सारे डॉक्टर्स भुज और अंजार में पहुंच चुके हैं, लेकिन करीब 300-350 गांव हैं। राजकोट से भुज अगर जाएं, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे शायद बाई रोड, तो उस पूरे रास्ते पर 200 किलोमीटर का फासला है राजकोट से भुज के बीच का। लगभग उस रास्ते में करीब 350 गांव हैं। उन 350 गांवों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय जो ज्यादा मदद पहुंच रही है वो भुज में पहुंच रही है, क्योंकि टेलीविजन पे उसका एडवर्टाइजमेंट काफी हो रहा है न्यूज के माध्यम से, तो जो भी लोग पहुंच रहे हैं भुज में पहुंच रहे हैं। मेरा आप सब लॉयंस के साथियों से निवेदन है कि अगली मदद जब आप भेजें तो उसको भुज में ना भेजें, अंजार में ना भेजें, बचाओ में ना भेजें, क्योंकि ये तीनों स्थानों पर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पहुंच चुका है। अभी वहां लेने वाले लोग नहीं है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है, भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं, तो लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, लेकिन जो जीवित बच गए हैं वो माइग्रेट कर गए। भुज में से काफी लोग माइग्रेट कर गए हैं, अंजार में से कर गए हैं, बचाओ में से कर गए हैं। तो माइग्रेशन ज्यादा होने के कारण वहां जिनको आप रिलीफ देना चाहते हैं वो लोग नहीं है, माने जो पात्र हैं रिलीफ लेने के वो इस समय वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो हो क्या रहा है कि आप जो भी मदद भेजते हैं आर्मी ऑफिसर्स उसको रख लेते हैं और वो कहते हैं कि आप मदद छोड़ के चले जाइए, तो मुश्किल अभी ये आ रही है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगली बार आप जो भी मदद भेजें, जो आपने भेज दिया वो तो भेज दिया, लेकिन नेक्स्ट आएगा उसमें आप 2 बातों का ध्यान रखें कि ये जो राजकोट से आप मदद बांटना शुरू करें, राजकोट को केंद्र बनाएं, वहां से चलें भुज की तरफ। तो रास्ते में मैंने बताया है, मैं पूरे उस इलाके में बहुत बार जा चुका हूं, तो लगभग 350 गांव हैं। सड़क के NH 15 है, नेशनल हाईवे 15 नंबर, उसके दोनों तरफ करीब 350 गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेन रोड से 20-50 किलोमीटर तक अंदर है, कुछ गांव मेन रोड से 10-15 किलोमीटर के अंदर है। तो इन गांवों में इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंच रहा और उन गांवों का नाम न्यूज में भी नहीं है। तो आप जो नेक्स्ट अपना ट्रिप भेजेंगे उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कंबल हो या कुछ दूसरी सामग्री हो, वो उन गांवों में जरूर भेजने की कोशिश करें जहां पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ी तकलीफ होगी आपको वहां तक जाने में क्योंकि वो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है, मेन रोड तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर गांव में जब जाएंगे तो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद इस समय उन्हीं को चाहिए। तो एक तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं, दूसरा अपील ये करना चाहता हूं कि इस समय मेडिसिन फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेडिसिन और डॉक्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी वहां पर कंबलों की है, कंबल सबसे ज्यादा चाहिए,
और नए कंबल चाहिए, पुराने कंबल ना भेजें। जैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि घर में पुराना कोई कंबल है, पुरानी रजाई है, वो दे दिया, वो किसी से ना लें, नया कंबल लें, नई रजाई लें, गादी अगर ले सकें तो वो भी वहां बहुत जरूरी है इस समय। तो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है कंबल, गादी और रजाई, और थर्ड प्रायोरिटी है गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, वो स्वेटर हो सकते हैं, जर्सियां हो सकती हैं, कुछ भी वूलन वहां चाहिए, शॉल चाहिए काफी बड़ी संख्या में। थर्ड प्रायोरिटी है वहां के लोगों को अपना बसेरा खड़ा करने के लिए ताड़पत्री बहुत चाहिए, ताड़पत्री की इस समय वहां सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ताड़पत्री हो, उनको टिकाए रखने के लिए कुछ बंबू चाहिए, कुछ बांस चाहिए, उसके टुकड़े चाहिए। तो ये थर्ड प्रायोरिटी। और लास्ट प्रायोरिटी जो मैं मानता हूं वो ये कि ये आप जानते हैं कि हमारे देश के सभी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये कच्छ का जो इलाका है वो हाईली सीस्मिक जोन है। भारत सरकार ने इसको जोन 5 डिक्लेयर किया। जोन 5 माने सबसे ज्यादा सेंसिटिव, जहां पर सबसे जल्दी भूकंप आ सकता। ऐसे ही एक जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है, जोन 1 है। जोन 1 में क्या आता है, पूरा कर्नाटक, कर्नाटक के साथ केरल, ये जोन 1 है जहां पर कभी भी भूकंप आने की संभावना सबसे कम है, कर्नाटक। जोन 2 उससे ज्यादा सेंसिटिव है, फिर जोन 3 उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, जोन 4 उससे भी ज्यादा, और जोन 5 तो हाईली सेंसिटिव है। तो जोन 5 में एक तो पूरा कच्छ आता है, गुजरात का कुछ इलाका आता है, फिर उसके अलावा आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरा का पूरा जो हिमालयन बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का इलाका जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, गढ़वाल वगैरह वगैरह, ये जोन 5 में पूरा आता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो हिमालय की चोटी से लेकर और इधर पश्चिम की ये जो पूरी बेल्ट है कच्छ तक की, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप के लिए। तो जो लास्ट ऑपरेशन हमें करना चाहिए हम सबको मिलकर, उसमें आप हम सब शामिल हों, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर जन जागरण का काम, मास अवेकनिंग काम, वो किस चीज के लिए, कि घर कैसा बनाएं ताकि अगले भूकंप से बचें। मेरा ऐसा मानना है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, अपने बनाए हुए घरों से मरते। भूकंप लोगों की जान नहीं लेता कभी भी, लेकिन लोगों ने जो अपना आशियाना बनाया है रहने के लिए, बड़े मन से, बड़े श्रम से, बहुत सारा पैसा लगा के, उसी आशियाने से मरते। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो हाईली सीस्मिक जोन होता है वहां पर घर कुछ इस तरह के होने चाहिए जिनकी छत हल्के से हल्के मटेरियल से बनाई जाए, फाइबर का यूज कर सकें, घास फूस का यूज कर सकें, वो मिट्टी के जो कवेलू आते हैं, टाइल्स आते हैं जिनको मैंगलोरी टाइल्स आप कहते हैं, उनका यूज कर सकें। अगर इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर उनकी छत बनेगी तो अगले भूकंप में मरने वालों की संख्या सबसे कम होगी। मैंने आपको कहा कि भूकंप तो वहां आने ही वाले हैं, उनको आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। और दुर्भाग्य से इतनी ज्यादा विज्ञान और तकनीकी प्रगति होने के बाद भी भूकंप की भविष्यवाणी करना बिल्कुल असंभव है। कोई भी वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर सकता कि भूकंप इस तारीख को आने वाला। बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है, गर्मी की भी की जा सकती है, भूकंप की संभव नहीं। तो भविष्यवाणी करना एकदम असंभव है। और ये हाईली सीस्मिक जोन है इसलिए बार बार इसमें भूकंप आने ही वाले हैं, सालों साल ये चलने वाला है। तो क्यों नहीं हम हमारे लोगों को इस तरीके से ट्रेंड करें जो उस इलाके में रहते हैं कि भाई तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए। तो इसका एक बड़े पैमाने पर वहां कैंपेन हमको चलाना होगा, क्योंकि बिना उसके कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अभी तो हम मदद कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये तो तात्कालिक काम है, लेकिन अगर कोई परमानेंट काम वहां पर करना है हमको तो वो ये हो सकता है कि लॉयंस क्लब की मदद से, रोटरी क्लब की मदद से, या रोटरेक्ट की मदद से, या इनर व्हील की तरफ से, या लॉयनेस की तरफ से, या आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कार्यकर्ता जो लगे हैं पूरे देश में उनकी मदद से उस पूरे बेल्ट में लोगों के बीच में एक बड़ा कैंपेन इस बात के लिए चले कि आपके जो आशियाने उजड़ गए, ठीक है, हो गया वो हो गया, अभी आगे अपना घर आप कैसे बनाए। तो उस संदर्भ में मैं मेरे कुछ मित्रों के साथ जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं, जो भूकंप के विषय के ज्ञाता हैं और ऊंचे पदों पर भारत सरकार में काम करते हैं, उनमें मेरे एक बहुत नजदीकी मित्र हैं डॉक्टर नेगी करके, रुड़की में हैं वो, रुड़की यूनिवर्सिटी में सीस्मोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत सरकार को। उनसे मैंने अपील की है कि एक 25 पन्ने की छोटी सी बुकलेट वो बना रहे हैं। वो बुकलेट पहले वो अंग्रेजी में बना रहे हैं, फिर हम उसका हिंदी करने वाले हैं, फिर हिंदी के बाद उसका हम आसामी भाषा में
बंगला भाषा में और इधर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां समझे जाने वाली भाषाओं में पूरे बड़े पैमाने पर भाषांतरण करके छपाना चाहते और लाखों की संख्या में बिना किसी शुल्क के लोगों को देना चाहते। अब जैसे कच्छ के एरिया में हम चाहते हैं कि वो गुजराती भाषा में बने, आसाम में आसामी भाषा में बने, ताकि लोगों को अगली बार ये बात की मन में तैयारी रहे कि अपना घर बनाना है तो कैसा बनाना। तो मैं आपसे जो अपील करना चाहता हूं मेरे व्याख्यान के शुरू में वो ये कि ये जो भूकंप आया है इसमें कुछ मदद तो हम तात्कालिक रूप से करें और कुछ मदद ऐसी करें जो परमानेंट रिलीफ हो, ताकि भविष्य में इस तरह के समाचार सुनने को ना मिले कि भूकंप आया और उसमें 50,000 लोग मर गए। आप जानते हैं कि इस भूकंप में 50,000 लोग मर चुके हैं, 1,00,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके जिंदा बचकर निकलने की अब कोई संभावना नहीं है। माने लगभग 1,50,000 लोगों की कुल मृत्यु होगी जब आप इस रिपोर्ट को फाइनल स्टेज में सुनेंगे। भारत में ये जो भूकंप आया है इससे बड़ा भूकंप एक ही बार आया है, वो चीन में आया था। चीन का भूकंप आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले आया था जिसमें 8.5 लाख लोग मरे थे। तो चीन की सरकार ने जो रिहैबिलिटेशन किया अपने उस इलाके में उसका मैंने थोड़ा अध्ययन किया है और उस अध्ययन में से मुझे दो बातें समझ में आई। उन्होंने एक तो तुरंत इमीडिएट करने वाले काम, लोगों को खाना देना, भोजन देना, पानी देना, दवा देना वगैरह वगैरह, लेकिन जो दूसरा परमानेंट काम उन्होंने किया कि जिस इलाके में भूकंप आया वहां घरों की डिजाइन उन्होंने ऐसी करा दी है कि उसी इलाके में बहुत बार बाद में भी भूकंप आया लेकिन मरने वालों की संख्या 5, 10, 15, 20 ऐसी ही रही है। एक बार भूकंप आया 8.5 लाख लोग मर गए, उस पर से चीन के लोगों के मन में ध्यान में आया, सरकार के मन में आया, वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगली बार वहां के घरों की डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो भूकंप रोधी हो, माने घर गिरे, छत टूटे, मरने वालों की संख्या कम से कम हो। और आप जानते हैं इसी तरह से जापान नाम का एक देश है, वहां तो अक्सर ही भूकंप आते रहते हैं। तो जापान में भी जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो टेक्नोलॉजी शायद हम हमारे देश के लोगों को समझा सकें और बता सकें, वो परमानेंट रिलीफ वर्क होगा, शायद उसी का महत्व तो आने वाली पीढ़ियों को समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चार तरह की मदद आप वहां करें। पहली मदद डॉक्टर दवाओं की, दूसरी मदद कंबलों की, गर्म कपड़ों की, तीसरी मदद उनको अपना तात्कालिक रूप से आशियाना बनाने के लिए ताड़पत्री वगैरह वगैरह जो चाहिए उसकी, और आखिरी मदद ये जो बुकलेट हम बनाने जा रहे हैं, इस बुकलेट का लार्ज स्केल पर पब्लिकेशन हो, 10-20 हजार आप छाप कर दें, 10-20 हजार कोई और छाप कर दें, 50,000 आप दे सकें तो 50,000 दे दें हमें बनाकर, हम उसको गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर उनको देना चाहते हैं और इस मुद्दे पर उनका मानसिक तैयारी कराना चाहते हैं। एक आखिरी बात इससे जुड़ी हुई जो कहना चाहता हूं वो ये कि चीन की सरकार ने जब अपने प्रांत में उनके यहां भूकंप आया तो जो भूकंप रोधी घर बनाए, या जापान की सरकारों ने जो अपने यहां भूकंप रोधी घर बनाए, उन घरों को बनाने के लिए डिजाइन कहां से मिला वो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मैं चीन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी का कौन सा घर? महात्मा गांधी के तीन घर हैं। एक घर उनका पोरबंदर, जहां पर उनका जन्म हुआ, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। दूसरा उनका जवानी का घर, जहां पर वो जवान हुए, पढ़ाई की, वो राजकोट में, धर्मेंद्र रोड है एक राजकोट में, आप में से शायद कई लोग गए होंगे, वहां पर उनका घर है। तीसरा घर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो भी आप में से कई लोगों ने देखा। एक आखिरी घर और है महात्मा गांधी का, वो सेवाग्राम आश्रम नागपुर के पास। मैं भी सौभाग्य से वहीं रहता हूं इस समय, महात्मा गांधी के घर के नजदीक ही मेरी कुटिया है सेवाग्राम आश्रम में। सेवाग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर, आप कभी भी वहां आइए, लगे तो कभी आपके लॉयंस क्लब की कोई कॉन्फ्रेंस वहां आयोजित करिए। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं, दुनिया के पता नहीं हजारों आर्किटेक्ट आए हैं वो घर देखने के लिए और सबने उसको एक ही सर्टिफिकेट दिया है कि भूकंप से बचने के लिए इससे अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया। अच्छा, और एक मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांधी जी ने डिजाइन किया वो खुद किया, किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया। और महात्मा गांधी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी उसका उन्होंने वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है, उसकी दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया तो उसमें तीन शर्त मैंने लगाई अपने ऊपर। पहली शर्त ये कि मेरा घर 500 रुपए में बनना चाहिए, एक रुपया उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 501 रुपए लगा तो मैं कान खींचूंगा कार्यकर्ताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी। पहली शर्त यह कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपए होना चाहिए। और यह बात कब की है, 1936 की, 1936 में गांधी जी का वो घर बनकर तैयार हुआ। तो पहली शर्त यह कि वो घर पूरा 500 रुपए में बनना चाहिए। दूसरी शर्त उस घर की ये कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो जहां घर बनता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में से ही आना चाहिए। उस गांव के 20 किलोमीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी, दूसरी शर्त यह उसकी। और तीसरी और आखिरी शर्त यह गांधी जी ने लगाई थी कि घर के अंदर में जहां भी बैठूं मुझे आसमान दिखाई देना चाहिए। मैं घर के अंदर किसी भी स्थान पर बैठूं मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए। अब ये तीन शर्तों के आधार पर गांधी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बना दो। पहली शर्त की 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा, दूसरी शर्त की 20 किलोमीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा, और तीसरी और आखिरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाऊं जाकर मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए। तो जितने भी आर्किटेक्ट आए सब फेल हो गए। सबने गांधी जी को कहा कि माफ करिए हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते। फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्ट आए जो गांधी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ अमेरिकन्स आए, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो गए। फिर सबको चिंता होने लगी कि ये घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता थी जमना लाल बजाज जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो। तो जमना लाल बजाज जी ने कहा कि बापू आप 500 रुपए की बात करते हैं, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता, उसमें क्या तकलीफ है। आप जानते हैं बजाज जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था, वो जो रकम भर के उसको साइन कर देंगे वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो ब्लैंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता है वो 500 रुपए, तो ये तुम्हें देना है इसकी व्यवस्था। तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परेशान हो गए, बजाज जी को बहुत तकलीफ हो गई, अब वो कहने लगे कि फिर बापू घर वर बनेगा नहीं बनेगा, एक झोपड़ा बना लो यहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने घर का डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया। आप कभी भी आइए उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है। उस घर में जितना भी रॉ मटेरियल लगाया गया है वो सब सेवाग्राम से 20 किलोमीटर दूर के गांव से लाया गया। दूसरा, उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो 20 किलोमीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो। और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499.50 रुपए ही आया है, 500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था। और तीसरी शर्त कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाइए आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा। तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इनविटेशन कर रहा हूं आपको कि आप आइए सेवाग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फ्रेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए। और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराइए, ये मैं चाहता हूं। और वो घर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है। दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ जिसका नाम था इवान इलिच, उसने गांधी जी के घर के बारे में लिखा है कि मैंने दुनिया के 50 सैकड़ों हजारों कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ऐसा अद्भुत कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। दुनिया का उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिप्पणी है गांधी जी के घर के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूकंप से जुड़ता है। गांधी जी ने जब घर की निर्माण की रचना की तो उनको किसी ने कहा कि गांधी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहां पर है वहां भी टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं और वो सीस्मिक जोन है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसका ध्यान बराबर रखूंगा कि ये सीस्मिक जोन है। और उन्होंने घर का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि उस इलाके में बार बार भूकंप आए हैं, ऐसा नहीं है कि उस इलाके में भूकंप नहीं आए हैं। गांधी जी के घर को आज तक एक क्रैक भी नहीं आया, आज तक क्रैक नहीं आया। और वो घर बने हुए 1936 और आज 2000, तो आप सोचिए 64 ईयर्स तो हो ही गए, उसमें एक पैसा का सीमेंट नहीं लगा, एक पैसे का सीमेंट नहीं लगा, कहीं पर लोहा नहीं है, आयरन नहीं है। जो घर में इस्तेमाल किया गया है मटेरियल वो एक तो मड है, मिट्टी है, दूसरा कवेलू है, टाइल्स है मिट्टी के बने हुए, तीसरा बांस है, बंबू है, बस तीन ही चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया और वो तीन चीजों से उनका घर बना है।
आज तक कभी उसमें क्रैक नहीं आया, आज तक कभी वो गिरा नहीं है, और उसकी जो लाइफ बताते हैं लोग कि इसकी टोटल लाइफ कितनी होने वाली है, तो मिनिमम लाइफ उसकी लोगों ने कैलकुलेट की है कि 150 ईयर्स तो होने ही वाली है। माने उसमें करीब 64 ईयर्स तो बीत गए हैं, लगभग 100 साल वो घर और रहने वाला। हम लोग वहां सिर्फ इतना ही करते हैं कि साल में एक बार उसको पुताई करते हैं, और वो भी गांधी जी नियम बनाकर गए थे उसके हिसाब से करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर की पुताई किस चीज से होगी, गाय के गोबर से। तो वहां गाय पाली जाती है आश्रम में, उसका गोबर निकाला जाता है, उस गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है, साल में एक बार उसकी पुताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं बस, और उसमें मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं। तो आप कभी आएंगे तो देखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि उस घर का जो डिजाइन है और उस घर को बनाने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक हमारी उस पुस्तक में आए और पूरे कच्छ के इलाके के लोगों को बांटा जाए कि भाई देखो आदर्श घर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है। और गांधी जी गुजरात के ही थे, गुजराती लोगों को ये और जल्दी समझ में आएगा कि हमारे ही किसी व्यक्ति का डिजाइन किया हुआ वो है। तो ये एक छोटी सी बात जो व्याख्यान के पहले मैं कहना चाहता था। एक छोटी सी दूसरी बात और, कि मैंने मेरे जीवन में ये सब जो शुरू किया स्वदेशी का काम या आजादी बचाओ आंदोलन का काम, तो मैं मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी से ही हुआ। वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के जीवन की एक ही घटना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो घटना सुना के मैं मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं। वो घटना है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के प्रवास की। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1894-95 के आसपास दक्षिणी अफ्रीका गए, पहले वकालत पूरी की, वकालत की पढ़ाई पूरी की, इंग्लैंड से वापस लौटे, वापस लौटने के बाद फिर दक्षिणी अफ्रीका गए। एक सिलसिले में कोई केस था, उस केस के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो वो गए जब साउथ अफ्रीका, तो वकील बैरिस्टर की हैसियत से गए। हुआ क्या, वो घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिसने मुझे मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। गांधी जी पहुंचे, वहां एक कोई कंपनी थी, वो कंपनी को कोई केस हुआ था, वो भारत के ही कुछ लोगों की कंपनी थी। तो गांधी जी उनके वकील की हैसियत से वहां केस लड़ने वाले थे। तो गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उसके पहले जो वकील महोदय थे जो केस लड़ रहे थे, पहले से ही एक लॉयर थे वहां पर, उनके साथ गांधी जी का परिचय हुआ। तो गांधी जी ने पूछा कि मुझे जो केस लड़ना है उसकी फाइल जरा दे दो। तो गांधी जी ने फाइल का अध्ययन किया, फिर उसने कहा कि अदालत कहां पर है, वहां लेकर जरा चलो। तो गांधी जी की पहली घटना है ये साउथ अफ्रीका की, वो अदालत में पहुंचे। आप जानते हैं कि खांटी गुजराती आदमी, और गुजरातियों में भी काठियावाड़ी, तो एकदम शुद्ध काठियावाड़ी आदमी। तो आप जानते हैं काठियावाड़ के लोग तो वो पगड़ी बांधते हैं ना, 5 मीटर लंबा कपड़े की वो पगड़ी बनाते हैं और एक विशेष स्टाइल में उसको बांधा जाता है। तो गांधी जी पगड़ी बांधकर अदालत में पहुंच गए। अब जज ने जब देखा कि पगड़ी बांधे हुए कोई व्यक्ति आके बैठ गया है, तो जज ने उनके ऊपर बहुत जबरदस्त व्यंग कसा और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि अदालत के कानून के अनुसार यहां पगड़ी बांधकर आना मना है, अदालत के कानून के अनुसार। तो गांधी जी ने पूछा, तो जज ने कहा कि आपको ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी, तब आप यहां बैठ सकते हैं और बहस कर सकते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि ये पगड़ी मेरे शान का प्रतीक है, ये मेरी इज्जत का प्रतीक है। मैं भारत में जिस स्थान से आया हूं वहां पगड़ी उतारी नहीं जाती। काठियावाड़ भारत का वो स्थान है जहां पगड़ी उतारना सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, और पगड़ी वही उतारता है जो किसी का गुलाम हो जाता। मैं आपका गुलाम नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मैं पगड़ी नहीं उतार सकता। जज बौखला गया, क्योंकि इतनी हिम्मत से बात कहने वाला कोई आदमी उसके सामने पहली बार आया। तो उसने पूछा कि ये है कौन, तो बताया गया कि केस के सिलसिले में ये एक लॉयर है जो भारत से आया है। तो उन्होंने कहा कि इसको तमीज सिखानी चाहिए। तो उनके जो बगल का लॉयर था जो गांधी जी को लेके गया था, उसने खुसफुस करना शुरू किया और गांधी जी को समझाया कि भाई आप ये उतार दीजिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमाक। गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे सम्मान का प्रतीक है। मैं पगड़ी मैंने अगर उतारी तो ये भारत की पगड़ी उतार दी, ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा, तो जेल जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तो तैयार हूं जेल जाने के लिए, आप उनसे कहो कि ऑर्डर करें और मुझे जेल में भेज। तो जज भी परेशान हो, अब वो गए थे केस लड़ने के लिए और अपना ही केस लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जज बौखला गया कि ये आदमी कहता है कि ऑर्डर करो, मुझे जेल में भेजो, मैं पगड़ी नहीं उतार सकता, तुम्हारे जो कानून है उसके आधार पर काम।
अब वो जज बौखला गया, फिर बहुत सारे लोग आ गए, हंगामा होने लगा, फिर बहुत सारे पत्रकार भी थे, वो सब इकट्ठे हुए। तो जज ने बात को समाप्त करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए कि अगर पगड़ी नहीं उतार सकते तो आप इस अदालत से बाहर चले जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे ये मंजूर है कि मैं अदालत छोड़ के चला, पर गांधी जी छोड़ के निकल अदालत। फिर हुआ क्या कि गांधी जी ने जो पहला संकल्प किया साउथ अफ्रीका में, वो यही संकल्प था कि मैं अगली बार जब बहस करने आऊंगा इस अदालत में तो ये कानून बदला हुआ मिलना चाहिए मुझे, तब मैं बहस करने के लिए आऊंगा। मैं पगड़ी कभी नहीं उतारूंगा, पगड़ी पहनकर ही बहस करूंगा पूरी अदालत। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने वो अंग्रेजी कानून बदलवा दिया, अंग्रेजों को कानून बदलना पड़ा। और महात्मा गांधी ने फिर जितने भी समय बहस की साउथ अफ्रीका में रहते हुए, पगड़ी पहनकर ही बहस की। इस एक घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। घटना बहुत छोटी सी है, अगर गांधी जी चाहते तो समझौता कर सकते थे और वो समझौता करना बहुत आसान था, लेकिन गांधी जी ने उस पगड़ी को भारत के सम्मान का प्रतीक बना दिया वहां पर। और गांधी जी ने बाद में लिखा है अपनी पुस्तक में कि अगर मैंने वो समझौता किया होता तो बार बार मैंने समझौते किए होते और भारत की आजादी का लक्ष्य अधूरा रह गया होता। एक और ऐसी घटना हुई, वो सुनाने का लालच मेरे मन में आया क्योंकि महात्मा गांधी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक दूसरी घटना और हुई जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ महात्मा गांधी से, वो घटना हुई, वो भी साउथ अफ्रीका में हुई। घटना ऐसी हुई कि जब ये पगड़ी वाला कानून अंग्रेजों ने बदल दिया और पगड़ी पहनकर बहस करने पर पाबंदी हटा ली गई, और पाबंदी हटाने के बाद फिर जो सरदार लोग वहां रहते थे साउथ अफ्रीका में, उनको भी इजाजत मिली कि वो पगड़ी पहनकर बहस कर सकते हैं, तो गांधी जी के सामने एक दूसरी चुनौती थी। और वो चुनौती थी वो ये कि अचानक से प्रिटोरिया में एक कानून बना, प्रिटोरिया उस समय राजधानी था साउथ अफ्रीका की। तो कानून वो इस तरह का था कि जितने एशियन लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए, इसका एक कानून था। उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन ही बना के रखना है। और उसके लिए कानून में यह तय किया गया कि आप जो भी एशिया से आए हैं उनको आने के तत्काल बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना, और वो साउथ अफ्रीका के उन कॉलोनीज में नहीं रहेंगे जहां पर वहां के अंग्रेज रहते हैं, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी। जैसे हमारे देश में होता है ना, अभी भी गांव में आप जाइए तो फ्यूडलिज्म जहां पर है वहां पर जो एससी एसटीज होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके घर गांव के बाहर होते हैं। वैसा ही कुछ कानून वहां बनाने की बात चली कि जो एशियन सिटीजन्स हैं, जो एशिया से आने वाले लोग हैं, उनको साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ नहीं रहना है, उनकी बस्तियां गांव के बाहर होंगी और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनके ही रहना, और आने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, शादी करनी है तो उसके बारे में सूचना सरकार को देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह इस तरह के। और जो वहां के उद्योग धंधे हैं उनमें उनकी इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगा, माने हमेशा आप वहां नौकर बनकर रहेंगे, आप किसी इंडस्ट्री को ओन नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनेस आप नहीं चला पाएंगे। ऐसा एक कानून बनाने की तैयारी अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार ने की। महात्मा गांधी ने उसको चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने कहा कि ये कानून मैं बनने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे बनने नहीं दूंगा। अब जब वो कानून नहीं बनने दूंगा ये संकल्प कर लिया, तो महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया। अभियान क्या शुरू किया, गांव गांव जाना, जो एशिया के रहने वाले लोग हैं उनको मोबिलाइज करना, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करना और इस कानून को रुकवाना। तो वहां पर जो मुसलमान समुदाय के लोग थे उनमें जाकर उन्होंने कहना शुरू किया, हिंदू समाज के लोग थे उनको समझाना शुरू किया। गांधी जी के समझाने का नतीजा ये निकला कि 2-3 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन उस कानून के विरुद्ध बन गया। गांधी जी ने फिर एक रैली आयोजित की और उस रैली में करीब 10,000 लोग आए, स्त्री पुरुष बच्चे, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी, पारसी लोग भी कुछ वहां पर थे, वो भी सब इकट्ठे हुए। और उन सबके सामने गांधी जी ने कहा कि हम सबको संकल्प करना है कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे, भले ही हमें इसके लिए जेल में जाना पड़े, भले ही इसके लिए मार खानी पड़े, भले ही इसके लिए मर जाना पड़े, ये अपमानजनक कानून तो हम नहीं बनने देंगे। उस सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सभा ने महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया और महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया कि वो ब्रिटेन की सरकार से इस पर बात करें। तो ब्रिटेन की सरकार से बात करने के लिए बाद में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर लंदन आए। लंदन में करीब 20-21 दिन रहे और वहां भी उन्होंने एक ही काम किया कि लंदन में रहने वाले जो भारतीय लोग थे उनको मोबिलाइज किया। और उनका मोबिलाइजेशन जब बहुत बड़े पैमाने पर हुआ तो महात्मा गांधी ने एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट ब्रिटेन के राजा को सामने उन्होंने पेश कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कानून एकदम गलत है, अन्यायपूर्ण है,
जन भावना के विरुद्ध है, मानवीयता के खिलाफ है, यह कानून नहीं बनना चाहिए। ब्रिटेन के राजा ने पहले तो गांधी जी की उपेक्षा की, बाद में ब्रिटेन के राजा को किसी ने कहा कि ये आदमी बहुत टेढ़ा है, अगर आपने इसकी बात को नहीं माना तो ये यहीं सत्याग्रह करने बैठ जाएगा लंदन, और इसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर आपकी पुलिस आएगी गोली चलाएगी तो उसको मरने में तो एक मिनट का संकोच नहीं है। इसलिए आप जरा इससे संभल के रहना और इसकी कोई भी बात को अचानक से ना नहीं कह देना। तो ब्रिटेन के राजा तक ये सूचना पहुंच गई। तो ब्रिटेन के राजा ने कहा कि मैं ठीक है, इस कानून का अध्ययन करने के लिए कमीशन बनाता हूं, वो कमीशन परिस्थिति का अध्ययन करके मुझे रिपोर्ट देगा। तब तक महात्मा गांधी नहीं बने थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक मेरा निवेदन है कि मोहनदास करमचंद गांधी कोई अगला कदम ना उठाए। तो उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट आई, कमीशन की रिपोर्ट लिखने वाले लोगों ने कानून का समर्थन किया क्योंकि उसमें सब गोरे अंग्रेज ही बैठे हुए थे कमीशन में। तो फिर सरकार ने ये बहाना करना शुरू कर दिया कि अभी तो ये कानून हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कमीशन भी कहता। तो गांधी जी ने कहा कि कमीशन में जो लोग हैं वो तो सब अंग्रेज हैं, उनको हमारे दर्द का क्या अंदाजा, अगर हमारे भारतीय लोग कमीशन में होते और वो रिकमेंडेशन करते तो मैं मानता। तो गांधी जी ने कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर झगड़ा चलता गया। तो गांधी जी को लगा कि अभी बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बनाने की जरूरत है, तो उन्होंने एक कॉल दिया साउथ अफ्रीका में वापस लौट के, और कॉल ये दिया कि जो भी लोग साउथ अफ्रीका में भारतीय या एशिया के किसी भी खंड के रहते हैं वो सब अंग्रेजी सरकार का बॉयकॉट करें। और गांधी जी की एक अपील का ये असर हुआ कि फैक्ट्रियां बंद होने लगी, धड़ाधड़ लोगों ने काम करना बंद कर दिया, और उन लोगों ने सबने गांधी जी के पास आकर कसम खाना शुरू कर दिया कि आप जो कहेंगे वो ही करेंगे, आप मरने के लिए बोलेंगे तो हम मर जाएंगे, बोलिए अब करना क्या है। तो महिलाएं पुरुष सब लोग फैक्ट्रियां छोड़कर मजदूर जो काम करते थे गांधी जी के पास आ गए। गांधी जी के पास ऐसे करीब उस समय 14-15 हजार कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। तो गांधी जी ने कहा कि हमें कूच करना, एक मार्च निकालना, जैसे वो दांडी मार्च उन्होंने निकाला था भारत में बहुत ऐतिहासिक, वैसा ही एक मार्च उन्होंने निकाला साउथ अफ्रीका में। अब मैं घटना पे आ रहा हूं जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मार्च गांधी जी ने जब शुरू किया तो उसमें करीब 4000 महिलाएं और करीब 1200-1300 बच्चे उनके छोटे छोटे, और करीब 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 6000 पुरुष, इतने सब लोग पैदल पैदल निकले। तो कई लोगों ने गांधी जी से कहा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी क्या करने का इनका। तो उन्होंने कहा जिनके बच्चे छोटे हैं वो जुलूस से बाहर निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों के मन में आया कि अभी गांधी जी हमको बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जुलूस में रहते हुए आपके बच्चे मर जाएं तो मान लेना कि देश की आजादी के लिए आपने उनको दान दे दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि जिसका भी दिल कमजोर है वो निकल जाए इसमें, मुझे कमजोर लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। तो लोगों में हौसला आया, और हौसला आया तो वो सब चले। उसी जुलूस में कुछ अंग्रेज भी शामिल थे जो गांधी जी की जासूसी के लिए रखे गए अंग्रेज सरकार की तरफ, और उनकी पूरी रिपोर्टिंग वो लंदन करते थे कि आज जुलूस ने क्या किया। वो पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह जाकर और लोगों को इकट्ठा करते जाते थे। तो जो अंग्रेजों ने रिपोर्टिंग किया है उसमें से एक अंग्रेज ऑफिसर था जो उनकी इंटेलिजेंस की टीम का मुख्य अधिकारी था, उसने गांधी जी के जुलूस के बारे में एक वाक्य लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जितनी भी सेवा की है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें ये पहला जुलूस मैं देख रहा हूं जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ है, हिंदू भी है मुसलमान भी, दोनों एक साथ हैं और दोनों एकदम भाई भाई की तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किसी में किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। हाँ, जो एक अच्छी बात है जो मैं देख रहा हूं वो ये कि ये जुलूस करीब 15-17 दिन चला पैदल पैदल। तो होता क्या था कि रात हो जाती थी तो कोई भी मैदान में सब सो जाते थे, और दिन में कुछ थोड़ा बहुत भोजन बना के करते थे, फिर रात में मैदान में सोते थे, अगले दिन फिर मैदान से चलते थे दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो हर एक रात करीब ऐसी 15 रातें बीती जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ सोए। जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने कहा कि इस जुलूस के दौरान एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उसका जो इशारा था वो क्या कि 4000 महिलाएं और 6000 पुरुष जिनकी उम्र 20-22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। और उसने जब अपनी रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में नैतिकता का संचार होने लगता है, वासना पैदा नहीं होती, स्त्रियां भी लेटी हुई हैं और पुरुष भी लेटे हुए हैं और दोनों नजदीक में हैं, और कहीं कोई घटना नहीं होती बलात्कार की, कहीं कोई घटना नहीं होती है शारीरिक संपर्क की, तो ये तो आदमी कोई विरला है और विचित्र है, अंग्रेज सरकार इससे लड़ नहीं पाएगी। ये उसने रिपोर्ट में लिख के भेज दिया। तो
तो मुझे उस रिपोर्ट का एक वाक्य हमेशा मेरे मन में रहता है कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से नैतिकता का इतना उच्च स्तर लोगों में आ जाता हो कि 4000 स्त्रियां और 6000 पुरुष बिना किसी दुर्घटना के एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा और 15-17 दिन लगातार चल के चले जाते हो और अंग्रेज सरकार को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हो, वो आदमी तो कोई बिरला ही हो सकता है। तो बाद में जब उनको महात्मा कहा, सबसे पहली बार उनको महात्मा कहा सुभाष चंद्र बोस ने, तो सुभाष चंद्र बोस से जब पूछा गया कि आपने इनको महात्मा क्यों कहा, मोहनदास करमचंद गांधी से एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा गांधी बना दिया। और आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आजादी इस रास्ते से आए, महात्मा गांधी चाहते थे आजादी इस रास्ते से आए। सुभाष चंद्र बोस का रास्ता यह था कि भयंकर हिंसा करनी हो तो हिंसा करें, अंग्रेजों के साथ छल कपट करना हो तो छल कपट करें, हथियार चलाने हो तो हथियार चलाएं, कहीं विदेशों से मदद लानी हो भारत की आजादी के लिए तो वो भी लेके आए। गांधी जी कहते थे कि एक तो उनका सबसे पहला ये आग्रह था कि विदेशी मदद भारत की आजादी के लिए नहीं चाहिए, दूसरा हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज बहुत कमजोर हैं, वो बिना हथियार के ही भाग जाने वाले हैं। ये गांधी जी को कन्विक्शन था बहुत पहले से, उनका कहना था कि इन कमजोर लोगों को क्यों मारना हथियार से, ये तो हथियार उसके खिलाफ चलाना चाहिए जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो, इन अंग्रेजों में कुछ भी ताकत नहीं है। और तीसरा उनका सिद्धांत ये था कि भारत में जो भी आजादी आएगी वो सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं रही होगी, पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा, जो ब्रिटेन का ढांचा है उसको हटा के भारतीय ढांचा लाना पड़ेगा। तो इन मुद्दों पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में काफी कुछ मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद पहले नेता थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो किसी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस से, ये बात है 1940-41 की, जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने उनको महात्मा बोल दिया था। तो किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज थे सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, महात्मा गांधी हमारे विचार से कुछ अलग विचार वाले हैं, हमारे उनके विचारों में काफी भिन्नता है, हमारी उनकी मत भिन्नता है लेकिन मन भिन्नता नहीं, मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो शब्द था वो ये था कि मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है, मन भेद नहीं है, मन मेरा वैसा ही है जो महात्मा गांधी का है, तो मन भेद नहीं है इसलिए मैं उनको बहुत ऊंचा मानता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उनको महात्मा इसलिए कहता हूं कि उस आदमी की उपस्थिति मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता है। मैं जब जब महात्मा गांधी के पास जाता हूं मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा ये सारे मूल्य पनपने लगते हैं, पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द में आपको कोट कर रहा हूं, पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है जो उसके सामने जाकर बैठे भयंकर हिंसा भाव से भरा हुआ वो भी अहिंसक हो जाता है, कितना ही डेस्पोटिक हो, क्रूर हो, वो दया और करुणा का प्रतीक बन जाता है, उस व्यक्ति में ऐसा तो कुछ अद्भुत है। और दक्षिणी अफ्रीका की वो घटना जो मैंने आपको कही वो अपने कार्यकर्ताओं को सुनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आदमी की तेजस्विता आज से नहीं, उम्र के उस साल से है जब वो खुद जवान हुआ करता। तो ये दो घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहता था महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, कि हम इन दो घटनाओं से अगर अपने जीवन में कुछ सीख सकें तो जरूर सीखें। ये जो महान लोग होते हैं ना, ये आते हैं चले जाते हैं, कभी ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कभी दयालु हो जाता है तो ऐसे कुछ लोगों को भेज देता प्रतिनिधि के रूप में, तो महात्मा गांधी को भेज दिया, महात्मा गांधी जैसे और भी लोग आए जिनको भेजा। मेरा ऐसा मानना है, इसमें अतिशयोक्ति भी लग सकती है और उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे पहले ही, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, पिछले 500 साल के इतिहास। मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है, उसमें रूसो भी शामिल है, उसमें तो ये रूस के जो बड़े नेता माने जाते हैं लियोनिद ब्रेजनेव से पीछे की पीढ़ी के जितने, जिनको लेलिन वगैरह वगैरह बड़ा माना जाता, उनको भी, जर्मनी के बड़े नेताओं को, उनको भी मैंने पढ़ा है, बिस्मार्क को भी मैंने पढ़ा है, मैंने ये जो बड़ा फ्रांसीसी क्रांतिकारी था उसकी भी जीवनी पढ़ी है, अमेरिका के जितने महान है उनकी भी जीवनी पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के इतिहास में दुनिया की धरती पर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उनकी तीन बड़ी क्षमताएं, पहली क्षमता तो जो मैंने कही नैतिकता वाली, दूसरी क्षमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की, गलत को स्वीकार नहीं करने की चाहे उसके लिए जान दे देनी पड़े, और तीसरी और अद्भुत बात कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेने की। वो कहते थे हथियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है,
प्रेम की शक्ति से जीत के दिखाओ लोगों को। और वो उस मान्यता के पुजारी थे, भारत की उस मान्यता के जो हजारों साल से आई है कि किसी को हथियार की शक्ति से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ति से उसको गुलाम बनाओ। तो ये तीन अद्भुत बातें उस व्यक्ति में थी और एक साथ पूरे व्यक्तित्व में ये सब आया उनके अंदर। तो कुछ उनकी ग्रोइंग हुई होगी, कुछ उनमें आया होगा, ये तो कुछ विलक्षण ही किस्म की बात हो सकती है। क्योंकि बचपन में जो विद्यार्थी अक्सर फेल होता हो, अंग्रेजी में फेल, मैथमेटिक्स में फेल, आप जाइए राजकोट में, उनकी वो रखी हुई है वो जो स्कूल है ना, गांधी जी जिसमें पढ़े, उस स्कूल में गांधी जी की नोटबुक है जिसपे उनका करेक्शन किया हुआ, वो सब गलत लिख दिया है, उसको क्रॉस कर दिया, अध्यापक ने फेल कर दिया उनको, ये कैसा मूर्ख अध्यापक, उसको फेल करना चाहिए था, पूरी दुनिया को, महात्मा गांधी को फेल किया। तो ठीक है, उससे एक बात समझ में आती है कि साधारण सा बच्चा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी जाके मांस भी खाया उन्होंने, ईमानदारी से स्वीकार किया। और एक एक बहुत अंदर की बात जो मैं कहना नहीं चाहता बहुत लोगों से, लेकिन अभी कहना चाहता हूं मैं, लोगों को पता चले गांधी जी के बारे में तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे लोगों की खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने दुष्प्रचार किया महात्मा गांधी के बारे में, और एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार उनके बारे में यह था कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। हमारे देश में महात्मा गांधी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और वो कमी क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी को गाली दो तो हम बड़े हो जाएंगे। एक अभी फिल्म बनी है बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसमें जो गालियां उनको दी गई हैं वो भगवान न करे कोई दूसरा उनको दे। तो आजकल एक फैशन चल गया है गांधी जी को गाली देने का, लंबे समय तक ये फैशन चलाया कई बहुत सारे लोगों ने। उसमें गांधी जी के विरुद्ध जो बातें बोली गई हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बात कि उनकी बकरी किशमिश खाती थी, मखाना खाती थी, छुआरा खाती थी, और महात्मा गांधी सादगी का नाटक करते थे, एक बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती। दूसरी बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया, भगत सिंह को नहीं बचाया, आप जानते हैं वो कहानी, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया। तीसरी बात जो बोली जाती है वो ये कि गांधी जी नैतिकता का नाटक करते थे और हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे। तो ये दो तीन बातों के बारे में हमारे मन में स्पष्टता आ जाए, उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के बारे में ये जो दुष्प्रचार हुआ कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे और वो नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं, वो गांधी जी की एक घटना बताकर और साउथ अफ्रीका में जो घटना घटित हुई दोनों को कोरिलेट में करना चाहता हूं। घटना ये है कि महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन की हर बात लिखी। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो अपने जीवन की सारी बातों को ईमानदारी से लिख सके, कोई नहीं हुआ आज तक। लिखा वो बोला नहीं, बोला वो लिखा नहीं, और लिखा वो माना नहीं, माना वो लिखा नहीं, हमेशा पाखंड रहा, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। अब नाम लेके कहने से उससे कोई फायदा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। लेकिन गांधी जी के बारे में मुझे जो एक अच्छी बात लगती है वो हम सबको सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने जो किया उसको लिखा और उसी को बोला, उसमें कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने कोई कुकर्म किया तो उसको लिखा ईमानदारी से। आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, महात्मा गांधी की आत्मकथा में वो लिखते हैं और उसको बाद में हरिजन में भी लिख दिया। और एक दिन उन्होंने इंडियन ओबीनियन एक अखबार निकालते थे वो साउथ अफ्रीका से, उसमें भी लिख दिया। घटना क्या है, उनके पिताजी का देहांत होने वाला, मृत्युशैया पर उनके पिताजी थे, आखिरी घड़ी है जीवन की, डॉक्टरों ने कह दिया है, वैद्यों ने कह दिया है कि ये बचने वाले नहीं है। गांधी जी उनके पास गए हैं उनको देखने के लिए, और उस समय तक उनकी शादी हो गई है, विवाह हो चुका है, तो विवाह हो चुका है, उनके पिताजी मरने की तैयारी में है, गांधी जी उसी समय उनको देखने के लिए गए हैं। तो उस समय की घटना का जिक्र गांधी जी ने हूबहू अपने शब्दों में जो किया है वो मैं कहना चाहता हूं, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिकता के बहुत ऊंचे प्रतिमान वाला हो, बाकी पाखंडियों के बस की बात नहीं है ये कह पाना। गांधी जी ने उसमें ईमानदारी से लिखा कि पिताजी की अंतिम सांस चल रही है, वैद्य बैठा है सामने और कह रहा है कि अब ये बचने वाले नहीं है। उसी समय गांधी जी लिखते हैं कि मेरे मन में अचानक काम वासना पड़ी, कि मेरे मन में, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का कोई आदमी नहीं लिख सकता इस बात को, उन्होंने लिखा। और उसके बाद यह भी लिखा है कि जब मैंने देखा मैं बाहर आया, वासना का अपना खेल गंदा खेल कर मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, उसी दिन मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प करने का अपने जीवन में तय कर लिया, उसी दिन कि मेरे जीवन के आगे का हिस्सा मैं ब्रह्मचर्य से निभाने की कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने ईमानदारी से लिखा है कि उस ब्रह्मचर्य को पालने के लिए मुझे बहुत साल लगे मेरी पत्नी को तैयार करने,
लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का फैसला किया था। बाद में मुझे लगा कि ये गलत है, अनैतिक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने मानसिकता तैयार की मेरी पत्नी की, और एक दिन हम दोनों ने मिलकर संकल्प कर लिया, और उससे आज का दिन, जब मैं ये लिख रहा हूं, आज का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात मेरी पत्नी से पूछ सकता है जाकर। ऐसा आदमी था, और उसके बारे में लोग दुनिया भर में अफवाह उड़ाते हैं कि वो दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के हमेशा चला करता था, और उसके बारे में दुनिया के लोग बहुत सारी अफवाह उड़ाते हैं कि उसकी बकरी किशमिश खाती थी, बादाम खाती थी, काजू खाती थी, मुनक्का खाती, कुछ नहीं खाती थी उनकी बकरी, साधारण घास ही खाती थी। यह सही बात है कि गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पीना पसंद करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप गो रक्षा की बात करते, गांधी जी हमेशा गो रक्षा की बात करते रहे, और एक बार तो उन्होंने एक भाषण में कहा, यहां मुंबई में, मुंबई के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेज अधिकारी मेरे पास आए और ये कहे कि पहले भारत बचाना है कि गाय बचानी है, तुम दोनों में से तय कर लो कौन सी चीज पहले बचानी है, तो मैं भारत को कुर्बान कर सकता हूं गाय बचाने के लिए, माने मेरे लिए गाय भारत से ज्यादा प्यारी है। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने गाय बचा ली तो भारत तो बच जाने ही वाला। तो इतने ज्यादा गोरक्षा के समर्थक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, लेकिन वो गोरक्षा के समर्थक होने के बावजूद गाय का दूध नहीं पीते थे कभी। तो किसी ने उनसे कहा कि गांधी जी ये जीवन में आपके कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, गाय का दूध आप नहीं पीते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, हमेशा आप बकरी का दूध पीते हैं। तो उसका जवाब बहुत सुंदर उन्होंने दिया, और वो लिखा भी है। उन्होंने कहा देखो गाय का दूध अमृत है और बकरी का दूध दवा है, मुझे दवा की जरूरत है, अमृत की नहीं है। और आप जानते हैं कि दुनिया के जो वैद्य हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद है ना, उसमें जो बकरी का दूध है वो ट्यूबरकुलोसिस की सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर कोई टीबी का भयंकर मरीज हो और वो किसी भी स्थिति में ठीक होने की संभावना नहीं रखता हो, उसको सिर्फ इतना ही किया जाए कि खाली खाली पेट सुबह सुबह आधा कप रोज बकरी का दूध पिला दिया जाए, 3 महीने में उसका ट्यूबरकुलोसिस ठीक होने की गारंटी है, इतना अच्छी गुणवत्ता वाला है बकरी का दूध। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कमजोरी रहती है हमेशा शरीर में। आप जानते हैं कि उनका शरीर कैसा था, कृशकाय एकदम शरीर था। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कई तरह की बीमारियां हैं, उनको मैं जानता हूं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बकरी का दूध ही मुझे लगता है, बाकी कोई दवा मैं कभी लेता नहीं। वो सच में कोई दवा नहीं खाते थे और किसी को देते भी नहीं थे अपने हाथ से, तो बाकी मैं कोई दवा लेता नहीं हूं, सिर्फ बकरी का दूध ही मेरे लिए दवा है, इसलिए मैं गाय का दूध न पीकर बकरी का दूध पीता हूं ताकि मैं जिंदा रहूं और हिंदुस्तान की आजादी लाने का काम सतत रूप से करता हूं। गाय का दूध को मैं अमृत मानता हूं, और अमृत तब दिया जाता है जब कोई अमर होने की आकांक्षा लेकर आता, मैं अमर होने की आकांक्षा लेकर नहीं आया, मैं तो साधारण सा एक काम करने आया भारत की आजादी लाने का, उसी काम को करते करते मैं मर जाऊं, ये मेरे जीवन की तमन्ना है। अंतिम 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य किया था, शायद बड़े लोगों को आभास हो जाता है, 28 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में कहा प्रार्थना सभा में कि अगर कोई पागल आदमी सामने से आकर भी मुझे गोली मारेगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप उसको सद्बुद्धि दो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और वही उन्होंने किया। अभी बहुत सारे लोगों ने यह बहस करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने मरने के पहले हे राम कहा था या हाय राम कहा था। हमारे कितने कूड़ मगज लोग हैं इस देश में, कितने निम्न स्तर के लोग हैं इस देश में, जो बहस चला रहे हैं इस बात पर कि गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा या हाय राम कहा, इसी में लगे हुए हैं बहस करने में। उन्होंने बहुत कुछ कहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, बहुत कुछ किया है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, हे राम कहा कि हाय राम कहा इसी में बहुत लोग लगे। बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने बाकायदा लिटरेचर बनाया है उस पर, और वो लिटरेचर पूरे देश में बांटा जाता है, और एक खास तरह की मानसिकता तैयार की जाती है गांधी जी को गाली देने की। तो मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, और वो मैं शायद मेरे कन्विक्शन से कह रहा हूं, पिछले 10-12 साल गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा और उनके तरह से जीने की कोशिश भी कर रहा हूं। उनके तरह से जीने की जो एक कोशिश मैंने की है ईमानदारी से, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आज तक मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं बनाया और आगे बनाने की संभावना नहीं। मैंने आज तक मेरा कोई घर नहीं बसाया, आज भी मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है मेरे मन का। और तीसरा, कोई पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं रखा। मेरे पिता और माता को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि परिवार की संपत्ति में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, आपको जो करना है आप उसको कहिए, या करते उसको चाहे तो दान कर दीजिए मेरे नाम से किसी को। लेकिन इतना भी मुझे लगता है करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत तकलीफ आती है। तो गांधी जी ने पता नहीं कितनी तकलीफें झेली होंगी, उन्होंने तो पता नहीं कितने साल ये सब किया। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है ब्रह्मचर्य पालन करना, क्योंकि मैंने परिवार नहीं बनाया, उन्होंने तो परिवार बनाकर ब्रह्मचर्य पालन किया, वो तो बड़ी बात है।
वो आसान व्यक्ति के लिए नहीं है। परिवार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना और उस ऊंचाई तक जाना, जिस ऊंचाई की बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि वो जीवन का आखिरी दिन था जब पिताजी की मृत्यु के समय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं मेरी पत्नी के साथ भाई बहन के रिश्ते रहे, और उन्होंने कहा कि जीवन में ऊंचाई तभी आएगी जब सही मायने में कोई पति पत्नी भाई बहन की तरह से रहना शुरू कर दे। वो कहते हैं कि ये जीवन का आखिरी वो होगा मुकाम। तो किसी व्यक्ति को कितना ऊंचा बनना चाहिए अपने जीवन में, उसके लिए उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया। वो सीमा रेखा का पालन उन्होंने किया, परिवार बसाते हुए, घर चलाते हुए, बच्चों को पालते हुए। वो अद्भुत ही लोग कर सकते हैं, विरले लोग कर सकते हैं, वैसे वो थे। और उन्होंने जो किया है वो हम सबके सामने है, जो कहा है वो भी है और जो लिखा है वो भी है। उनके कहे हुए को, उनके किए हुए को और उनके बोले हुए को अगर हम अपने जीवन में दशमांश भी माने 1/10 भी अगर हम उतार सके तो भारत में बहुत कुछ बेहतर होने की संभावना और शक्यता है। इतना गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप में कहना चाहता था। और एक छोटी सी आखिरी बात जो मैं आज के समय में कहना चाहता हूं, गांधी जी ने अपने जीवन में 11 व्रत दिए लोगों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह वगैरह वगैरह आपने पढ़े होंगे, बार बार सुने भी होंगे। उन व्रतों के बारे में गांधी जी ने लोगों से कहा है कि मेरी आपसे ये विनंती है कि भारत में जो व्रत मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें सोमवार का व्रत हो जाता है, कभी बृहस्पतिवार का हो जाता है, कभी मंगलवार का हो जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का है, सोमवार को शंकर जी का है वगैरह वगैरह। उन व्रतों के बारे में गांधी ने कहा कि ये जो कर रहे हैं वो आप करिए, आपकी धार्मिक मान्यताओं के लिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्रत अगर आप कर सकें तो देश के लिए भी करिए। एक तो हम व्रत करते हैं मोक्ष के लिए कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमारे जीवन में एक मान्यता हमने रखी हुई है और वो मान्यता ये है, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं आपके साथ मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सबकी मान्यता ये है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। और हमारे जो धर्म शास्त्र है या बड़े जो धर्म गुरु हैं उनकी बात अगर आप सुने और उसको कभी समझने की कोशिश करें तो हरेक धर्म गुरु या हरेक धर्म शास्त्र ये कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है। कभी मच्छर बन सकते हैं, कभी मक्खी बन सकते हैं, कभी गाय बन सकते हैं, कभी बैल बन सकते हैं। मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल होता है और मनुष्य की योनि मिलना तो विरले लोगों को मिलता है। उसके बारे में सांख्य दर्शन है, वो ये कहता है कि आपने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आप शायद मनुष्य बन गए हैं। तो गांधी जी ने उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सामने ये कहा कि आप अपने मोक्ष के लिए अच्छे काम करें, व्रत करें, धार्मिक मान्यताओं का पालन करें, वो तो ठीक ही है, लेकिन देश के कल्याण के लिए भी व्रत करिए। ये उनका कहना था। और उनका यह कहना था कि अगर भारत का कल्याण नहीं होगा तो आप में से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। ये कहने की हिम्मत आज तक किसी धर्म गुरु में नहीं हुई। मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में शंकराचार्य से लेकर आज तक बहुत सारे धर्म गुरुओं को पढ़ा और काफी को आज के जमाने में सुना भी, किसी में हिम्मत नहीं है यह कहने की कि जब तक देश का कल्याण नहीं होगा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा भटकती ही रहेगी, तो देश का कल्याण कर लो, तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। और फिर किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप ये सब काय के लिए करते हैं, अंग्रेजों को भगाना, हिंदुस्तान को नए सिरे से खड़ा करना। तो गांधी जी ने कहा यह सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं, ये मत कहना कि भारत की आजादी के लिए करता हूं, ये उनका लिखा हुआ वाक्य है, ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं। तो किसी ने कहा मोक्ष माने क्या, कि ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने ये तय किया है मेरा रास्ता। तो उन्होंने कहा कि इससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो वो सुनाने लगे देखो भारत आजाद हो जाएगा, आजाद होने के बाद खुशहाल हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, अन्याय नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का अधिकार मिलेगा, ये सब जब हो जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब आप देखिए इतना बड़ा योगी आदमी किस बात की कल्पना करता है। हम लोग कल्पना करते हैं ना मोक्ष उन्हीं को सिद्ध होता है जो योगी होते हैं, और योगी कौन होता है, जो अपने को दूसरों से ऊपर उठा लेता है। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला ऊपर नहीं उठूंगा, ये सबको अपने साथ ऊपर उठाऊंगा तब मुझे मोक्ष मिलेगा। इससे बड़ा योगी पुरुष कौन होगा। तो इस योगी पुरुष के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकें वो यही कि हम अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी अपने साथ उठाएं। और दूसरों को अपने साथ क्यों उठाएं, मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांधी की आत्मा भटक रही है, उनको मोक्ष नहीं हुआ है। अगर वो जीवित रहते तो शायद वो काम करते जो उन्होंने अपने लिए तय किया हुआ था।
आजादी आने के तत्काल बाद किसी ने पूछा कि गांधी जी आजादी आ गई, अब बिरला जी ही थे, एक दिन सवाल करने लगे अब क्या करेंगे, तो उनका अब तो तुम्हारे साथ लड़ना है। आप सोचिए, जो बिरला जी महात्मा गांधी के पास अपना ब्लैंक चेक रखते थे, उन्होंने एक दिन सवाल किया कि अब तो आजादी आ गई, और गांधी जी की आदत थी रोज मालिश करवाते थे, तेल से मालिश करवाते थे, तो एक दिन बिरला जी पहुंच गए सेवाग्राम आश्रम और गांधी जी की मालिश चलती थी, तो पूछ लिया कि अब मालिश क्यों करा रहे हैं, अब तो अंग्रेज भाग रहे हैं, अब आपको किससे लड़ना है, कि अभी तो तुमसे लड़ना है, एक दुश्मन नहीं है हिंदुस्तान का, दूसरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है। तो बिरला जी घबरा गए कि ये कह क्या रहे। तो गांधी जी ने फिर उनको बड़े प्रेम से समझाया कि देखो घनश्याम दास, ये लड़ाई हिंदुस्तान की जो है बड़ी लंबी है, अंग्रेजों का चले जाना तो एक चरण है, इसके आगे अभी बहुत सारे चरण हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका एसिड टेस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो जब अंतिम आदमी हिंदुस्तान का ये कहने लगेगा कि मैं आनंद में हूं, खुशी में हूं, तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई पूरी हो गई, यही मेरा एसिड टेस्ट है। और वो तो दुर्भाग्य हम सबका कि उनको किसी ने मार दिया, किसी पागल आदमी ने। मैं तो कहता हूं कि जिस आदमी ने गांधी जी को मारा था, अच्छा ये होता कि वो महात्मा गांधी के सामने जाकर खुद को गोली मार लेता, वो उसके लिए बेहतर होता। उसने बजाय गांधी जी को गोली मारने के अपने को गोली मार लेनी चाहिए थी, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर ठीक है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी, उसके लिए कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। हमें यह भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लोगों से ये कहते थे, कार्यकर्ताओं से, कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा जीवन तुम्हारे लिए संदेश की तरह से है पूरा, मैंने मेरे जीवन भर जो किया वो आपके लिए संदेश जैसा है। तो गांधी जी के संदेश का अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें और आज की परिस्थिति को देखने की कोशिश करें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनको अभी मोक्ष नहीं मिला है, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। उसके तीन बड़े कारण हैं कि उन्होंने जब यह कहा था कि भारत का जब अंतिम व्यक्ति आनंद में रहेगा, खुशी में रहेगा, तो मैं मान लूंगा कि सारे काम पूरे हो गए हैं, वो अंतिम व्यक्ति अभी भी बहुत कुछ चीजों से वंचित है। भारत की इस समय आजादी 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर हो चुकी है, और 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, 1 अरब से थोड़ी ऊपर हो चुकी है, 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। अब ये 100 करोड़ की आबादी का जरा क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो क्या चित्र है? चित्र ये है कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ की आबादी में करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में प्रति व्यक्ति खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। 25 करोड़ लोग ऐसे। भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति 5 रुपए नहीं रखते एक दिन में खर्च करने की हैसियत, ऐसे 25 करोड़ लोग हैं। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, 15 करोड़ लोग ऐसे। और करीब करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं इस समय भारत देश में जिनके पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं। 25 करोड़ लोगों के पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है, 10 करोड़ लोगों के पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं है, और 15 करोड़ लोगों के पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं। अब 25 और 15 40 और 10 50, 50 करोड़ की हमारी बस्ती ऐसी है जिसको न्यूनतम जरूरतें पूरी करने की कोई व्यवस्था नहीं इसी देश में जहां हम रहते हैं। और इनमें ये जो 50 करोड़ लोग हैं जिस तरह से जीवन बिताते हैं वो किस तरह का जीवन है, मैं आपको 2-3 घटनाएं सुनाना चाहता हूं। मैं पूरे देश में घूमता हूं, देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां मैं नहीं गया। थोड़े समय पहले मैं उड़ीसा में घूम रहा था। उड़ीसा में एक गांव है, उसका नाम है भवानीपट्टनम। वो गांव जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर है कालाहांडी जिले का, कालाहांडी नाम का जिला है, भवानीपट्टनम नाम का गांव है। वहां मैं एक बार गया। उस गांव को जाते समय सड़क के किनारे से जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो मैंने 2-3 स्थानों पर बाजार देखा जहां पर बच्चे बिकने के लिए बैठे थे, बच्चों को बेचने के लिए बाजार लगते हैं वहां, और बच्चों को बेचा जाता है उसी तरह से जैसे का बेचा जाता है, टमाटर बेचा जाता है, बैंगन बेचा जाता है। और जिन बच्चों को मैंने बिकते हुए देखा मेरी आंखों से, उनके गले में एक तख्ती लटकी हुई थी, उस पर रेट लिखा हुआ था। जैसे लड़का खरीदना है 10 साल से ऊपर का है तो उसका रेट है 50 रुपये, और लड़की खरीदनी है 15 साल से ऊपर है तो उसका रेट है 35 रुपये। 35 रुपये में 15 साल से उम्र के ऊपर की लड़की आपको खरीदने में मिल जाएगी, 50 रुपये में 10 साल से ऊपर का लड़का मिल जाएगा। जिन स्थानों पर मैंने ये बाजार लगे हुए देखे वहां पर मैंने मेरी गाड़ी रुकवाई और उनको कहा कि भाई ये क्या है।
तो उन्होंने कहा ये बच्चे बिकने के लिए आते हैं यहाँ, अक्सर इस तरह के बाजार लगते हैं। तो मैंने पूछा साल में कितनी बार लगते हैं, उन्होंने कहा आप साल की बात कर रहे हैं, महीने में पूछिए। मैं सोच रहा था कि कभी साल में एक आध बार होता होगा, उन्होंने कहा नहीं महीने में पूछिए कितनी बार लगते हैं। अब मुझे क्या हुआ कि एक माँ बाप जो अपने बच्चे को बेचने के लिए बैठे थे, प्रतीक्षा करते थे बाजू में, बच्चे के गले में तख्ती लटकी थी, 55 रुपए का उसका रेट था, 13-14 साल का लड़का था। मैंने उसके बाप को जाके पूछा, मेरे साथ एक कार्यकर्ता था जो उड़िया भाषा जानता है, तो मैंने उसको कहा इसको उड़िया भाषा में पूछो कि ये अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहता है। तो उसने पूछा, तो उसके बाप ने जवाब दिया कि मेरे घर में खाने को 2 समय रोटी नहीं है, इसको मैं क्या खिलाऊं, तो मैं इसको इसलिए बेचना चाहता हूं कि कोई अमीर आदमी इसको खरीद ले जाए, कम से कम खाने के लिए तो रोज देगा इसको, भले ही वो इसको गुलाम बनाकर रखे इससे मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन ये ले जाए मेरे घर में से। ऐसी स्थिति के वहां माँ बाप है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा धक्का उस दिन आया जब मैंने ये दृश्य मेरी आंखों से देखा। किसी तरह मैं भवानीपट्टनम पहुंचा, जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करके, उस दिन मेरा दिल नहीं था भाषण देने में, किसी तरह भाषण पूरा किया। वहां एक दूसरा दृश्य देखा मैंने, मेरे भाषण को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, करीब करीब 1200-1300 लोग आए थे। अब वो जो लोग सुनने के लिए आए थे उनमें से कुछ लोग तो आपकी तरह से सामने आकर बैठे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरा व्याख्यान सुनना चाहते थे लेकिन झाड़ के पीछे खड़े हुए थे। कुछ जहां व्याख्यान स्थल था वहां पे आजू बाजू में लिमड़ा के झाड़ लगे हुए थे, तो वहां वो खड़े हुए थे उसके पीछे। मैंने आयोजक को कहा कि देखो भाई ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं झाड़ के, इनको सामने लाके बिठाओ ना, ये पीछे क्यों खड़े हैं, जो सब लोग बैठे हैं वो भी आके बैठे। तो उसमें से एक ने कहा कि राजीव भाई वो आपके सामने नहीं आ सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं आ सकते, तो उसने कहा उनके शरीर पर इतने कपड़े नहीं है कि वो आपके सामने आकर बैठ सके। दूसरा धक्का उस दिन मुझे तब लगा। फिर मैंने मेरे कार्यकर्ता को कहा जिसने ये आयोजन किया था कि भाई तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं भवानीपट्टनम के आसपास के 10-20 गांव देखना चाहता हूं और गरीबी क्या है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जिस अंतिम व्यक्ति की बात कहा करते थे भारत में उसको उच्च स्थान मिलना चाहिए, वो अंतिम व्यक्ति किस स्थिति में रहता है वो जरा मैं देखना चाहता हूं मेरी आंखों से, शायद मुझे उसमें से कुछ प्रेरणा मिले। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे 2-3 प्रोग्राम कैंसिल करके मुझे गांव में घुमाना शुरू किया। तो भवानीपट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दूर मैं एक गांव में गया और उस गांव में जाने के बाद मैं ये देखने लगा कि कौन सा घर ऐसा है जो अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो एक भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा मेरी आंखों से जहां लकड़ी का कोई दरवाजा लगा हो, और एक भी घर ऐसा नहीं था जहां कोई छत रखने के लिए कुछ व्यवस्थित कुछ किया गया हो। छत भी क्या है, वो जो धान की फसल होती है पैड़ी जब पैदा होता है तो पैड़ी को पैदा होने के बाद जब फसल पक जाती है उसमें से धान तोड़ के निकाल लिया जाता है, उसका जो फूस बचता है भूसा बचता है उसको डाल के तो छत बनी हुई है और उसमें कुछ डंडे वंडे लगे हुए, बस यही छत है, दरवाजा है नहीं। और कोई भी घर मैंने ऐसा नहीं देखा जो 10 फीट बाई 15 फीट से ज्यादा का हो। एक घर का जो मैक्सिमम एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट और उसमें 5 लोगों का परिवार 7 लोगों का परिवार रहता। घर देखते देखते मेरे मन में ऐसा आया कि चलो इस गांव के किसी सरपंच के घर में चले, शायद उसका घर कुछ अच्छा हो देखने लायक हो। क्योंकि मेरे मन में ऐसी कल्पना थी कि जो गांव का सरपंच होता है वो पैसे वाला होता है, कुछ तो उसके पास पैसा होता ही है, अच्छा घर बना के रहता। तो सरपंच के घर में गया तो बस इतना ही फर्क था सरपंच और बाकी घरों में कि किसी भी घर में तो दरवाजा नहीं था, सरपंच के घर में एक फटा हुआ कपड़ा लटकता था वो उसका दरवाजा था। तो किसी ने कहा देखो यही सरपंच का घर है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई सरपंच को जरा बाहर बुलाओ उससे मुझे कुछ चर्चा करनी। तो मेरे कार्यकर्ता ने पूछा क्या चर्चा करनी है, तो उसने कहा कि उसके बारे में उससे मैं पूछना चाहता हूं ये गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है यहां पर, शायद मुझे उससे कुछ ज्ञान मिल सके। तो उसने कहा ठीक है मैं बुलाता हूं। तो उसने आवाज दिया उड़िया भाषा में, तो मैंने देखा कि सरपंच नहीं आया, पहले उसकी पत्नी बाहर आई, और जब उसकी पत्नी बाहर आई तो मैंने देखा कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर कपड़ा नहीं था जिससे वो अपने पूरे शरीर को ढक सके, 2 मीटर कपड़ा नहीं था। फिर मैंने उसको कहा कि आप अंदर जाओ अपने पति को बाहर भेजो, तो वो महिला अंदर गई। तब थोड़ी देर के बाद उसका पति बाहर आया और देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि वो पुरुष वही कपड़ा लपेट कर बाहर आया जिसको उसकी पत्नी लपेटे हुए, और उस दिन मैंने मान लिया कि महात्मा गांधी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती इस देश में, कैसे उनको मोक्ष मिलेगा। जिस अंतिम व्यक्ति की कल्पना करके वो इस देश में से चले गए, वो अंतिम व्यक्ति आज इस स्थिति में है कि 2 मीटर कपड़ा नहीं अपने शरीर पर पहनने के लिए, और एक ही कपड़ा है उसको बदल बदल कर पत्नी लपेटती है और पति लपेटता है। पत्नी जब पानी भरने के लिए जाती है तो कपड़े को लपेट कर जाती है, पति जब बाजार में कहीं मजदूरी का काम करने के लिए जाता है तो पत्नी को अंदर रख के वो कपड़ा लपेट कर बाहर जाता है।
ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार रहते। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी हमारे देश में 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति एक आदमी के पास 2 मीटर कपड़ा नहीं है पहनने को। 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं पूरे देश में। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 13 करोड़ परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जहां की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को संडास की व्यवस्था नहीं है अपने घर। उन महिलाओं को शौच की व्यवस्थाओं को किसी तरह से पूरा करने के लिए सड़क के दोनों किनारे बैठना पड़ता है। और मैं भारत के गांव-गांव में जाता हूं तो सबसे ज्यादा कोई मुझे, मेरा कार्यकर्ता पूछता है कि राजीव भाई आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है, तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस समय होती है कि जब मैं किसी गांव में घुस रहा होता हूं, मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क के दोनों किनारे पड़ती है और बहुत सारी महिलाओं को उठ जाना पड़ता है, मेरी गाड़ी निकल जाने के बाद फिर उनको बैठना पड़ता है। उस समय मेरे दिल को सबसे ज्यादा चोट लगती है और मैं अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूं, घुलता रहता हूं कि आजादी के 53 वर्षों के बाद हम 13 करोड़ परिवारों को संडास की व्यवस्था नहीं दे पाए, 11 करोड़ परिवारों को पहनने के लिए प्रति व्यक्ति 2 मीटर कपड़ा नहीं दे पाए। हमारे हिंदुस्तान में अभी भी उन परिवारों की संख्या 22 से 23 करोड़ है। थोड़ा लिबरल एस्टीमेट अगर लगाया जाए तो कुल परिवारों की संख्या भारत में 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ परिवारों में से 13 करोड़ इतनी गरीबी में रहते हैं कि ना तो उनके पास पहनने को कपड़ा है, ना संडास की व्यवस्था है, ना खाने को ठीक से भोजन है, 2 समय को ठीक से मिलता नहीं, कभी मिल जाए तो वो धन्यता मानते हैं, अगले दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से मिलता रहे। तो एक तो ये भारत का चित्र है और दूसरी तरफ भारत का एक चित्र और है जिसको देखकर मुझे कभी खुन्नस आती है, मन में गुस्सा भी आता है, और वो चित्र है बंबई का, दिल्ली का, बंगलोर का, मद्रास का, कलकत्ता का। वो चित्र क्या है मेरे मन में जो गुस्सा पैदा करता है, वो ये कि वहां उड़ीसा के गांव में रहने वाला आदमी रोज 8 घंटे हाड़तोड़ मेहनत करता है और उसकी पत्नी को 2 मीटर पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, और यहां बंबई के स्टॉक एक्सचेंज में बैठकर कोई आदमी सिर्फ फोन पर हाय हेलो करता है और एक दिन में 1000 करोड़ बना लेता। तब मुझे खुन्नस आती है कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां हिंदुस्तान का सबसे अंतिम आदमी 8 घंटे मेहनत करे, कहीं हाड़ तोड़ धान लगाए, गेहूं लगाए, गन्ना लगाए, हमारे खाने के लिए पैदा करे, उसको खाने को 2 समय की रोटी नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत होती है खेती के काम में, उससे ज्यादा मेहनत का काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं। सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्क है दुनिया में वो खेती का काम है, उससे ज्यादा स्किल्ड दुनिया में कोई काम नहीं। तो उसको 8 घंटे भयंकर मेहनत करने के बाद भी 2 समय खाने को ना मिले, पहनने को ना मिले, उसकी पत्नी को संडास के लिए बाथरूम ना मिले, और दूसरी तरफ यहां फोन पर कुछ इधर उधर करके एक एक आदमी 1000 करोड़ बनाए, 2000 करोड़ बनाए, 5000 करोड़ बनाए। और मैं तो पता नहीं कैसी एक बीमारी फैल गई है हमारे देश के लोगों में कि कुछ लोगों ने तो संकल्प कर लिया है कि 1000 करोड़ से कम संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए उनके, रात दिन उसी में लगे हुए, पूरी जिंदगी का उनका एक टारगेट है कि मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी। किसी ने बना रखा 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने बना रखा है 10000 करोड़ की प्रॉपर्टी। और ये लोग जो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10000 करोड़ बना रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि ये सबका सब एक दिन में ध्वस्त हो सकता है कच्चे की तरह से। जीवन का इतना नंगा सच जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसको देखकर अगर हम कोई सबक ले सकते हैं तो वो ये ले सकते हैं, कितना ही अच्छा आशियाना बनाइए, इटालियन मार्बल लगाइए, फ्रांस से लेकर टाइल लाइए और लगाइए, कुछ भी करिए, 1 मिनट भी 7.8 स्केल रिएक्टर पर आया तो ये सब ध्वस्त हो जाने वाला, क्या करेंगे इसका। तो भी जिंदगी का लक्ष्य है किसी का 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10000 करोड़। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अगर हम बदलेंगे नहीं तो महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। और सिर्फ महात्मा गांधी की आत्मा की शांति का प्रश्न नहीं है, आपको भी शांति नहीं मिलेगी जी, अगर हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा है और दूसरा हिस्सा ऐसा। इसी भारत में मैं देखता हूं कितनी बड़ी विडंबना है, 20-25-30 लाख लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, 20-25-30 लाख, बहुत अधिक सब जोड़कर, और 9 करोड़ लोग हैं जिनके हाथ में भीख का कटोरा है। इसी देश में 9 करोड़ लोगों को हाथ में हमने भीख का कटोरा दे रखा है और 20-25 लाख लोगों के हाथ में हमने मोबाइल फोन दे रखे हैं, और हम कहते हैं कि भारत का विकास हो रहा है और बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमारा ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करते रहते हैं, 6.5 हो जाना चाहिए, 7.9 हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है इस ग्रोथ रेट का कि 9 करोड़ लोगों के हाथ से भीख का कटोरा अगर आप नहीं निकाल पाते। कोशिश तो ऐसी करिए कि हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन हो, तब तो उसमें कुछ सार्थकता है।
और अगर ऐसा हिंदुस्तान नहीं बना सकते हम, तो यह हिंदुस्तान आपको जिंदा भी नहीं रहने देगा। वो आप भी सोच लीजिए इसके बारे में, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं बहुत दिनों तक चलती नहीं है। जिन व्यवस्थाओं में 4-5 करोड़ लोगों के पास तो शायद 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और 96-97 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं इस देश में, यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चल सकती और वो चलेगी नहीं, वो टूटती जा रही है। और यह व्यवस्था के टूटने के कुछ बड़े कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण है हमारे हिंदुस्तान में जो मॉडल हमने बनाया है डेवलपमेंट का, वो सारा का सारा मॉडल उधार का है। अमेरिका से कुछ उधार ले लिया, यूरोप से कुछ उधार ले लिया, दुनिया भर के देशों से उधार लेकर हमने हमारा डेवलपमेंट का मॉडल बना लिया। और इस डेवलपमेंट के मॉडल में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। हमारा उससे भी बड़ा आज का उद्देश्य यह हो गया है कि इस डेवलपमेंट के मॉडल में पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अभी तो वो इनकम को बाजू में रख के पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने की बात होती है। अमेरिका और यूरोप में जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है, उसी को पूरी तरह से हमने डिट्टो फॉलो कर लिया। अब पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि जब 50 करोड़ लोगों को जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कैसे पर कैपिटा कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे इस देश का? अगर उनकी जीवन जिंदगी चलाने के लिए न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकती हैं तब तो पर कैपिटा कंजम्पशन की बात हम कर सकते हैं। यहां तो कुछ भी नहीं है। यूरोप और अमेरिका ने यह पर कैपिटा कंजम्पशन का जो मॉडल बनाया है उसके पीछे एक बड़ी विशेषता है, उसको अगर हम समझ लें तो शायद कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। और यही कह के मैं ये व्याख्यान पूरा करना चाहता हूं कि जिस यूरोप और अमेरिका ने यह पर कैपिटा कंजम्पशन का मॉडल बनाया है उनकी इकोनॉमी की कुछ मान्यताएं हैं, और उनकी इकोनॉमी की जो मान्यताएं हैं वो इकोनॉमी की जो मान्यताएं हैं वो सोसाइटी में से निकली। उनकी अपनी कुछ सोशल मान्यताएं भी हैं, उनके समाज की भी अपनी मान्यताएं हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका का समाज है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जो व्यक्ति है वो सुप्रीम है, बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो व्यक्ति के अधीन है। माने दुनिया का जो ढांचा है उसमें पेड़ है, पंछी है, पौधे हैं, हमारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, ये सब व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति सुप्रीम है, बाकी सब उसके नीचे है। ये फिलॉसफी है यूरोप की। इसी फिलॉसफी का पूरी दुनिया में प्रचार किया था रूसो ने, रूसो के पहले डिकार्ते ने, डिकार्ते के और पहले चले तो जो दो बड़े दार्शनिक माने जाते हैं जैसे प्लेटो वगैरह वगैरह, उन्होंने इसी दर्शन का प्रचार किया। इस दर्शन में से क्या निकला? मनुष्य महत्व का है, बाकी सब उसके नीचे है, तो मनुष्य सुप्रीम है, बाकी सब उसके अधीन है। तो मनुष्य चाहे तो प्रकृति का भी नाश कर सकता है, मनुष्य चाहे तो दुनिया के दूसरे लोगों को गुलाम भी बना सकता है। तो दूसरों को गुलाम बना लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को लूट लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को सबसर्वियंट बना लेना में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इस मान्यता में से यूरोप बना, इसी मान्यता में से अमरीका बना। अब हमने भारत के बारे में कभी सोचा नहीं कि अगर हम यूरोप और अमेरिका का मॉडल अपनाना चाहते हैं तो हमको हमारी मान्यता के बारे में सोचना चाहिए। हमारी मान्यता में क्या है? व्यक्ति सुप्रीम नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पूरा पर्यावरण है, ये जो प्रकृति है, इस पूरे पर्यावरण में जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी सुप्रीम नहीं है, सब बराबर है। हम चींटी को, मक्खी को, मच्छर को, गाय को, बैल को, बकरी को, भैंस को या किसी भी दूसरी चीज को मनुष्य से ऊपर नहीं मानते। सांख्य दर्शन में एक श्लोक है और ऋग्वेद में भी एक श्लोक है, दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं और मनुष्य हैं, ये सब समकक्ष हैं। तो हमारी मान्यता सबको बराबर मानने की है, तो हमने बराबरी की मान्यता रखी है और उन्होंने मनुष्य को सुप्रीम बनाया है। अब हमने चूंकि बराबरी की मान्यता रखी है इसलिए उसी में से ये कल्पना भी निकली है कि भाई प्रकृति का नाश मत करो क्योंकि प्रकृति किसी मनुष्य के अधीन नहीं है, जीव जंतुओं का नाश मत करो क्योंकि ये जीव जंतु किसी के अधीन नहीं है, भले ही वो कमजोर है या ताकतवर है। इसका बहस हमने कभी नहीं चलाया। यूरोप और अमेरिका में ये जो इकोनॉमी आई है, जिस इकोनॉमी के आधार पर वहां सबको चलता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर समझने की कोशिश करो यूरोप और अमेरिका को तो वहां एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माने जो ताकतवर है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है, जो कमजोर है उसको मर जाना चाहिए या ताकतवर का गुलाम बन जाना चाहिए। भारत की जो फिलॉसफी है वो इसके ठीक उल्टी है। भारत की फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। हमने जो फिलॉसफी बनाई है वो फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, या बल्कि मैं एक कदम आगे जाकर कहूं तो भारत का जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है या जो पारंपरिक हिंदू दर्शन है, उन तीनों को अगर एक वाक्य में लाना हो तो हमारी फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट।
और यूरोप और अमेरिका की फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम मानते हैं सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट, और वो मानते ही नहीं कि वीकेस्ट के लिए कुछ होना। तो उनके जो मॉडल है उनमें गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, बेकारों के लिए, मर जाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मरते हैं तो मर जाए। अमेरिका को बनाने में 10-11 करोड़ रेड इंडियंस मर गए, किसी को अफसोस नहीं है इस बात का। अमेरिका की इतनी वैभव तैयार करने में दुनिया के करोड़ों लोगों को लूट लेना पड़ा, उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। यूरोप को इतना भव्य बनाने में दुनिया के 50 देशों की संपत्ति लूटी गई, उनका उनको कोई अफसोस नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो गरीब है बेकार है, मुफलिसी वाला, उसको तो मर जाना चाहिए, जो ताकतवर है उसी को जिंदा रहना चाहिए। तो ताकतवर को जिंदा रहने का जब सिद्धांत आप बनाएंगे तो उसमें से निकलेगा कॉम्पिटिशन, और कमजोर से कमजोर को जिंदगी बिताने का अधिकार आप देंगे तो उसमें से निकलेगा कोऑपरेशन। भारतीय जो सभ्यता है वो कोऑपरेशन प्रधान है, अमेरिकन और यूरोपियन जो सभ्यता है वो कंपटीशन प्रधान है। अब हम फंस गए हैं कंपटीशन प्रधान सभ्यता में, जबकि हम रहते हैं कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में। हमारी जिंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिंदगी की कितनी बड़ी डाइकोटोमी हम है कि मान्यता हमारी कॉम्पिटिशन वाली है और रहने की जगह कोऑपरेशन वाली है। कैसे चलेगी ये व्यवस्था? और चूंकि हमने कंपटीशन प्रधान मान्यता को अपने दिमाग में भर लिया और ये माना कि बिना कंपटीशन के डेवलपमेंट नहीं होता, मैं ये कहता हूं कि भारतीयता में बिना कोऑपरेशन के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि कंपटीशन प्रधान मान्यताओं की चीजों को, तकनीकी को और उनके संसाधनों को लेना शुरू किया और जबरदस्ती उसको कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसमें से ये निकला है जो आज हम देखते हैं कि 20 लाख लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, 9 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा, 3-4 करोड़ लोगों के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और 96-97 करोड़ लोगों को खाने के लिए भी नहीं। ये इसी में से निकला। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम करें क्या। तो महात्मा गांधी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं तो ये करें। गांधी जी कहते थे कि किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की मान्यताओं के आधार पर अगर बनेगी तो सस्टेनेबल होगी, और उस देश की मान्यताओं के विरुद्ध कोई मान्यताओं को आयात करके बनेगी तो सस्टेनेबल नहीं होगी। हम अगर हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें कोऑपरेशन की प्रधानता होगी, कंपटीशन की नहीं। अगर हम कोऑपरेशन की प्रधानता के आधार पर काम करना शुरू करें तो ये जो दिखाई दे रहा है भारत, इसको 20 साल में हम बदल सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और इस भारत को अगले 20 से 25 सालों में बदल देने के लिए मैंने एक प्लान तैयार किया, और वो प्लान अगले 25 वर्षों के लिए तैयार किया, और मैं चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों तक इस प्लान पर हम सब लोग अगर काम करें तो 25 वर्षों के बाद हमारी जो नई पीढ़ी जवान होगी, जैसे ये सामने कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उस भारत के बारे में जो गांधी जी ने कभी सपना देखा था रह सकेंगे ऐसे भारत में, और उसको और बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे। आप पूछेंगे राजीव भाई ये 25 साल की जो योजना है इसके कुछ सूत्र आप बता दीजिए। 2-3 सूत्र बता के मेरा व्याख्यान मैं पूरा करता हूं। सबसे पहला सूत्र ये है कि हमारे देश में ये जो कॉम्पिटिशन घुस गया इसमें से बाहर निकलना है हमको। तो कॉम्पिटिशन से बाहर निकलने के लिए दूसरा विकल्प क्या है? कोऑपरेशन में जाना है। तो कोऑपरेशन के लिए क्या करना है? हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करे। मैं रहता हूं, मेरा कोई पड़ोसी है वो मुझसे नीची स्थिति में है तो मैं उसकी मदद करूं, उसका कोई पड़ोसी है वो उसकी मदद करे, उसका कोई पड़ोसी है वो उसकी मदद करे। अब आप पूछोगे कि मदद कैसे करें? खैरात दें क्या उसको? पैसा दें क्या? भीख दें? भीख नहीं चाहिए उसको, खैरात भी नहीं चाहिए उसको। उसको सम्मानजनक जिंदगी बिताने के लिए कुछ जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। तो आप कैसा सहयोग कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसके आसपास कुछ गरीब लोग हैं और वो कुछ उत्पादन करते हैं या कुछ व्यापार करते हैं तो आप उनके उत्पादन को खरीदने का काम करें, उनके व्यापार को प्रमोट करने का काम करें। यही मदद आपकी उनके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। उनको आपसे एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। ये जो हमारे मन में घुस गया है ना कि हम एड देते रहे तो मदद, कुछ नहीं, उनको ट्रेड चाहिए। बहुत कुछ लोग बनाते हैं हमारे देश में लेकिन हम उसको इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंपटीशन प्रधान नहीं है, और आयात होकर बहुत कुछ आता है, हम उसको इसलिए खरीदते हैं कि वो कंपटीशन प्रधान है। चाइना से माल आ रहा है, अंधाधुंध बिक रहा है मुंबई के बाजार में। क्यों बिक रहा है? कि हम कह रहे हैं वो कंपटीशन प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि 1 रुपए का सेल बिक रहा है, ले लो भाई। टॉर्च बिक रही है 5 रुपए की, 10 रुपए की ले लो। साइकिल मिल रही है 300-400 रुपए की, ले लो।
चीन से आके कुछ भी सस्ते के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं ले लो, चीन से आके बहुत कुछ मिल रहा है। अरे जरा सोचो आप अपने दिमाग पर जोर डालकर कि चीन से आने वाला माल इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। चीन से आने वाला माल इसलिए सस्ता मिल रहा है, सबसे बड़ी बात कि उनके यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप इस तरह का है कि कोई मजदूर दिन भर काम करे और उसको 10 रुपए भी पगार ना मिले तो उसके लिए वो कोई अफसोस नहीं करता कभी। आप जानते हैं हिंदुस्तान की करेंसी और चीन की करेंसी का अगर ध्यान रखा जाए तो एवरेज एक मजदूर को एक दिन में 10 रुपए मिलता है चीन, और चीन की सरकार चूंकि डिक्टेटरशिप वाली है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों से उत्पादन कराती है जिनको एक पैसा भी नहीं देती। जैसे चीन की जेलों में बहुत सारे कैदी बंद हैं, वो सारे कैदियों से प्रोडक्शन कराया जाता है, बदले में एक ढेला उनको नहीं दिया जाता। और दूसरा, चीन ने यह संकल्प किया है कि हिंदुस्तान के मार्केट को तोड़ देना, तो चीन की सरकार ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया, और एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ाकर उन्होंने तीसरा एक बेहतरीन काम और किया है कि जो चीन में बनने वाला माल दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट होगा उस पर लोकल टैक्सेस भी माफ। तो एक तो लोकल टैक्सेस माफ कर दिए, बिजली बहुत सस्ती कर दी है। आप हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री चलाते हैं, इस समय आपको 4-4.5 रुपए यूनिट देना पड़ता होगा, चीन में वही एक फैक्ट्री चलती है 90 पैसे यूनिट का खर्चा था, तो 90 पैसे यूनिट की बिजली है। और चीन में अगर एक्सपोर्ट करो आप माल को तो उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से लेकर 4.5% के बीच में फिक्स किया हुआ। 1.5% पर चीन में आपको अबजों डॉलर का लोन मिल सकता है अगर एक्सपोर्ट करना है। आपकी फैक्ट्री अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो फिर उन्होंने बिजली भी कम की हुई है, लेबर उनके यहां बहुत सस्ता है, और कोई लेबर लॉ नहीं है। आज कान पकड़ के 10 लोगों को निकाल दीजिए, कल 100 लोगों को निकाल दीजिए, कोई अफसोस नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, कुछ नहीं है वहां पर। तो इस तरह के कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण उन्होंने अपने माल को बेहद सस्ता बना लिया। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन करना है ना। कॉम्पिटिशन का तो एक ही उद्देश्य है ना कि आप जितने सस्ते बेच रहे हैं उससे सस्ता कोई दूसरा बेचे। आप 10 रुपए में बैटरी बेच रहे हैं वो 2 रुपए में बेचे, आप 2 रुपए पे आ जाए तो वो 1.5 रुपए में बेचे, आप 1.5 पे आ जाए वो 1.25 रुपए में। इसकी कोई लिमिट नहीं है कॉम्पिटिशन की, मैं कहना ये चाहता हूं। आप अगर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में हम सारे इंडस्ट्रीज को इस तरह से रीस्ट्रक्चर्ड करें कि हिंदुस्तान में भी बैटरी 1 रुपए की बिकने लगे तो चीन वाले 50 पैसा कर देंगे उसका। फिर आप कोशिश करोगे चलो हम भी 50 पैसे में, वो 25 पैसा कर देंगे उसका। फिर आप 25 पे आओगे वो कहेंगे 5 पैसे में ले लो। फिर आप कहोगे हम 5 में देंगे, वो कहेंगे मुफ्त में ले लो। फिर कोई दिन कहेंगे कि मुफ्त में क्यों, हमारी बैटरी लो ऊपर से 5 रुपए और ले लो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूं कि कंपटीशन की कोई लास्ट लिमिट नहीं होती, इसलिए ये कंपटीशन के चक्कर में ना फंसे, इसमें से निकलकर कोऑपरेशन में जाएं। तो कोऑपरेशन में जाएंगे तो क्या होगा कि भाई मेरे देश में बनता है, मेरा कोई पड़ोसी माल बनाता है, कोई उसका उत्पादन करता है, उसको रोजगार मिलता है, मैं वही माल लूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को रोजगार मिलता है, मैं वही सामान खरीदूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को व्यापार मिलता है। अगर हम उसको रोजगार दे सके, व्यापार दे सके, इसके लिए कोई कोऑपरेशन की नीति पूरी दुनिया में पूरे देश में चलाए तो इसमें से हिंदुस्तान निकल आएगा जहां फंस गया है पूरा का पूरा देश। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये पिछले 10 वर्षों से बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि हम कंपटीशन में फंस गए। कोऑपरेशन वाले लोग कंपटीशन में फंसेंगे तो ना तो वो कंपटीशन कर पाएंगे ना कोऑपरेशन कर पाएंगे। और कंपटीशन वालों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई लिमिट नहीं है, ना चीन की कोई लिमिट है, ना यूरोप के लोगों की कोई लिमिट है, आप उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वापस लौटें और अपनी कोऑपरेशन की दुनिया में चलें। और कोऑपरेशन की दुनिया क्या, फिर रिपीट कर रहा हूं अंतिम बात कि अगर आपके गांव में कुछ माल बनता है उसको पहले खरीदें, कोऑपरेशन ये है। आपके गांव में नहीं बनता, बाजू के किसी गांव में बनता है उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन। आपके 2 गांव के बाजू में नहीं बनता, किसी जिले में बनता है उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन। और जिले में भी नहीं बनता, मेरे किसी प्रदेश में बनता है उसको खरीद है, वो कोऑपरेशन है। प्रदेश में भी नहीं बनता, भारत के किसी दूसरे प्रदेश में बनता है उसको खरीद है, वो कोऑपरेशन है। तो ये कोऑपरेशन की भावना अगर हम समझ पाए तो मैं मानता हूं कि भारत की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए ये एक बात काफी है। और कोऑपरेशन की दुनिया में हम अगर वापस लौट आए तो हिंदुस्तान की ये गरीबी भुखमरी बेकारी सब हम दूर कर सकते, और गरीबी भुखमरी बेकारी को दूर कर पाए तो शायद अपने लिए भी और महात्मा गांधी की आत्मा के लिए मोक्ष की परिस्थितियां बना सकते हैं। तो मोक्ष की परिस्थिति बनाने के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता था। गांधी जी ने 11 व्रत दिए, उनमें से एक व्रत है स्वदेशी,
वो स्वदेशी का व्रत इसी कोऑपरेशन के सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो आज आप इस हॉल से जब उठकर जाएं तो अपने मन में ये संकल्प लेकर जाएं कि गांधी जी ने जो स्वदेशी का व्रत हमें दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, वो सोसाइटी बनाने के लिए हम हमारे जीवन में स्वदेशी का संकल्प करेंगे और इन विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। वस्तुओं के स्तर पर जब आप बहिष्कार करने का संकल्प कर लेंगे तो अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए कि गलती से भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदिए, उसकी जगह कोई भारतीय वस्तु ही खरीदिए। कोई कहेगा कि राजीव भाई वो तो सस्ता है, हमारा महंगा है, तो कोऑपरेशन की भावना से खरीदिए, ना कि कंपटीशन की भावना से। भले ही हमारे देश का कोई प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन यह मानकर खरीदिए कि यह प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी गरीब आदमी को रोजगार दे रहा हूं, यह प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी को व्यापार दे रहा हूं, यह प्रोडक्ट खरीदने से मैं किसी को गरीबी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं। अन्यथा क्या होगा, आप सब लोगों ने विदेशी माल जैसे खरीदना शुरू किया है, हिंदुस्तान के 4,62,000 उद्योग बंद हो गए, ऑयल इंडस्ट्री पूरी कॉलेप्स हो चुकी है इस देश की। मैं घूम रहा हूं पूरे देश में, थोड़े दिन पहले मैं सौराष्ट्र गया था, सौराष्ट्र में 700 ऑयल मिलें बंद पड़ी हैं। जहां शिंग तेल निकलता था, नारियल का तेल निकलता था, वो सब इंडस्ट्रीज बंद है क्योंकि विदेशी पाम तेल बिक रहा है। और पाम तेल क्यों बिक रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में है। कॉम्पिटिशन में क्या है, 20 रुपए लीटर का है। हमारा जो मूंगफली का तेल है, शिंग तेल है, वो नहीं बिक रहा है क्योंकि वो 40 रुपए लीटर का। तो कॉम्पिटिशन में चल के पाम तेल हम खरीद रहे हैं, शिंग तेल नहीं बिक रहा है, सब इंडस्ट्रीज बंद हो रही। और सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज ही बंद नहीं हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। कोरिया से कपड़ा आ गया, ताइवान से आ गया, सिंगापुर से आ गया, हांगकांग से आ गया, और वो कपड़ा 6-7 रुपए मीटर में मूलजी जेठा मार्केट में भरा पड़ा। स्विस कॉटन के नाम पर 7-7.5 रुपए मीटर का कपड़ा। हमारी सब टेक्सटाइल मिलें बंद होती जा रही। पूरे देश में टोटल टेक्सटाइल मिलें 700 हैं, उनमें से 350 इस समय बंद पड़ी, अहमदाबाद में बंद है, बड़ोदरा में बंद है, यहां मुंबई में बंद। और टेक्सटाइल मिलें ही बंद नहीं है, पूरा का पूरा ये जो पावर लूम चलाने वाली इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। आप जाओ ना भिवंडी में, 3 लाख पावर लूम्स बंद पड़े भिवंडी में। इसी तरह से विदेशी सीमेंट आ रहा, विदेशी आयरन आ रहा, लोहा आ रहा, विदेशी दवाएं आ रही हैं, विदेशी जूते आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान आ रहे हैं। अभी तो सरकार 1 अप्रैल से इस कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने जा रही है। 1 अप्रैल सन 2001 के बाद सरकार कह रही है कि बाहर से आने वाली कोई वस्तु पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, 0 कस्टम ड्यूटी, और बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगे। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, कस्टम ड्यूटी पूरी विड्रॉ कर लेंगे, तो विदेशी माल बिकेगा हिंदुस्तान में 10 रुपए किलो, स्वदेशी माल होगा 50 रुपए किलो। तो लोगों के मन में क्या है, कंपटीशन बिठा दिया ना, तो वो कहेंगे कंपटीशन करो। अब कंपटीशन होता है 2 बराबर के लोगों में, आप इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर चीन का कोई माल भारत में आकर बिकता है और चीन में उस माल का उत्पादन करने के लिए 90 पैसे यूनिट की बिजली है, 1.5% के रेट पर उनको ब्याज, सॉरी 1.5% के ब्याज पर अबजों डॉलर का लोन है और 100% एक्सपोर्ट की सब्सिडी है, तो अगर यही फैसिलिटीज भारत में नहीं है तो कैसे कंपटीशन करेंगे। यूरोप और अमेरिका की कंपनियां आ रही हैं, अमेरिका में जानते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 4.5%, तो 4.5% के रेट पर अबजों डॉलर का लोन वो लेकर आए और हिंदुस्तान के किसी उद्योगपति को कर्ज लेने के लिए कम से कम तो 12-13-14% ब्याज देना पड़े, तो 1.5% का ब्याज और 4.5% का, और यहां का ब्याज 12-13-15% का, दोनों में कभी कंपटीशन होगा क्या। विदेशी कंपनियां आती हैं, उनको 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, और आपके ऊपर 43 डिपार्टमेंट बिठा दिए सरकार ने जो रोज आपका खून पीने थे। हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री आप चलाइए, एक दिन मैं हिसाब जोड़ रहा था,